नमस्कार। बीसी न्यूज के doctor.com में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टावी सर्जरी के बारे में। ये टावी सर्जरी होती क्या है, हम जानेंगे किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर से, क्योंकि किंग्सवे अस्पताल द्वारा टावी की सर्जरी की गई है और वो पूरी सुरक्षितता के साथ और पूरी सफलता के साथ वो सर्जरी की गई है। तो हमारे साथ है किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार, जो डायरेक्टर कैथ लैब एंड कार्डियोलॉजिस्ट है किंग्सवे अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है सर अभी से न्यूज़ की doctor.com इस कार्यक्रम में। सर, टावी के बारे में आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या होती है टावी सर्जरी और कौन से पेशेंट में ये टावी सर्जरी की जाती है, क्या बताओगे? नमस्कार। टावी सर्जरी एक नई टेक्निक है जिसमें किसी पेशेंट की अगर हार्ट की वैल्व सिकुड़ गई है, एरोटिक वैल्व, तो उसको बिना चीरफाड़ किए पैरों की नस से द्वारा जाके उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एरोटिक स्टेनोसिस, जिसमें एरोटिक वैल्व सिकुड़ जाती है, ये होने पे पेशेंट को चलने पे सांस फूल जाना, छाती में दर्द होना या चक्कर आना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इकोकार्डियोग्राफी पे हम इसको डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को एरोटिक स्टेनोसिस है, और ट्रेडिशनली ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको वॉल्व को चेंज किया जाता था। लेकिन ये जो नई टेक्निक है टावी, इसमें कोई चिरफाड़ नहीं होती है, इसमें कोई टाके नहीं लगते हैं, किसी प्रकार का एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक दो घंटे के प्रोसीजर में इसको किया जाता है एंड पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल, आपने बताया कि पेशेंट की रिकवरी जो है बहुत जल्दी होती है। कितना दिन रेस्ट जो है मरीज को लेना पड़ता है टावी के बाद? यूजुअली टावी होने के बाद एक दिन आईसीयू में ऑब्जर्व किया जाता है और थर्ड डे पे हम लोग उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट को भी बहुत तकलीफ कुछ होती नहीं, क्योंकि ब्लड लॉस जो होता है बहुत कम होता है टावी प्रोसीजर में। अच्छा, मतलब एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है? लोकल एनेस्थीसिया और सीडेशन, जिसको हम लोग नींद का इंजेक्शन कह सकते हैं, उस टाइप का इंजेक्शन हम लोग दे के इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने टावी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है अभी तो दी है। टावी सर्जरी जो है किंग्सवे अस्पताल द्वारा की गई है क्या? हाँ, ये हमारा सेकेंड प्रोसीजर था। इसमें हमने जो हमारे पेशेंट थे 67 ईयर ओल्ड, उनको एओटिक स्टेनोसिस भी था, प्लस हार्ट की वेसल्स में उनको ब्लॉकेज भी थे, तो उनको बाईपास सर्जरी और एओटिक वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी दोनों एक साथ करना था, जो कि एक रिस्की ऑपरेशन है, करीबन एक 10% रिस्क उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसका जो पर्याय है, हमने टावी और एंजियोप्लास्टी एक साथ करके पेशेंट को ठीक कर दिया है। प्रोसीजर करने को हार्डली एक घंटे का समय लगा। इसमें जो हमने वैल्व यूज़ किया है वो इंडियन कंपनी का वैल्व था, और उसकी साइज़ थी ऑलमोस्ट 30 मिलीमीटर, जो सबसे बड़ा वैल्व साइज़ होता है। अच्छा। वो हमने इसमें इम्प्लांट किया है। अब ये करना टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, और ये पहली बार नागपुर रीजन में इतना बड़ा वॉल्व इम्प्लांट किया गया है, तो फॉर्चुनेटली हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और जो हमारे प्रॉक्टर थे डॉक्टर अनमोल सोना, ने जो बॉम्बे से आए थे, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उसको किया, और एंजियोप्लास्टी विद टावी करके आज तीसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। अरे बाप रे, बहुत ही अच्छी बात है कि जो इतनी बड़ी सर्जरी जो है एंजियोप्लास्टी कहा जाता है ना, और साथ में टावी भी हो गया है और वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है, ऐसा आपने अभी बताया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नागपुर में इतनी अच्छी सर्जरी जो है हो सकती है। हमारे दर्शकों को भी पता चला कि एंजियोप्लास्टी और टावी ये जो है साथ में की जा सकती है, और वो भी किंग्सवे हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। और कौन सी सुविधा है जो मरीजों को टावी के लिए दी जाती है किंग्सवे अस्पताल द्वारा खास? जैसे मैंने कहा कि टावी एक टीम वर्क है, तो इसमें हमको एनेस्थीसिया बैकअप चाहिए, क्रिटिकल केयर यूनिट का बैकअप चाहिए, कार्डियक सर्जन का बैकअप चाहिए। तो ये जब बैकअप अच्छा होता है तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। किंग्सवे अस्पताल का जो सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है कि यहाँ पे सभी सुविधाएं अवेलेबल है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, लेटेस्ट गैजेट्स अवेलेबल है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इस वजह से हम लोग इस प्रोसीजर को बहुत सक्सेसफुली कर पाए।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टावी के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, और जिन लोगों को पता नहीं था ये टावी क्या है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। जिन्हें भी टावी या वॉल की सर्जरी मतलब वॉल का रिप्लेसमेंट करना हो तो पक्का किंग्सवे में आए, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएँ दी जा रही है। सर ने जैसे बताया कि अदर मतलब सर्जरी के साथ टावी भी की जा रही है, तो एक में हॉस्पिटल है ये नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल, जहाँ एंजियोप्लास्टी प्लस टावी किया गया है और वो सक्सेसफुली भी हो चुका है, और मरीज जो है फिलहाल हेल्दी है ऐसा सर ने डिस्चार्ज? बताया। हाँ, डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो आइए, और किंग्सवे अस्पताल में अगर किसी को भी तकलीफ है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आकर आप एक ओपिनियन सर का ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक और यू। टावी के बारे में और भी हम जानकारी लेंगे किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर इरशाद पठानिन से। हमारे साथ है डॉक्टर इरशाद पठान, ये किंग्सवे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, और हम इनसे भी टावी के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। सर, टावी ये सर्जरी जो है हर पेशेंट कर सकते हैं क्या, मतलब इसका कॉस्टिंग किस तरह से रहता है? पहले भी वॉल्स रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती थी, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? टावी यानी कि ट्रांस एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन, या उसको टावर भी बोला जाता है, ट्रांस एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। इसमें हम लोग पैर के रास्ते से जाते हुए वॉल जो है वहाँ पर रिप्लेस करके या इम्प्लांट करके आते हैं, एक मैकेनिकल वॉल डाल के आते हैं जो कि बायोप्रोस्टेसिस होता है। मतलब ये स्टील का वॉल ना होते हुए टिश्यू वॉल होता है। तो पार्टनर स्टडी जो हुई थी आज से 15 साल पहले, उस स्टडी में आमतौर पे मोर देन 65 ईयर्स के पेशेंट को लिया गया था, और जो हाई रिस्क कैंडिडेट, मतलब कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो हाई रिस्क कैंडिडेट है, जिसका किडनी फेलियर है या लंग फेलियर है या लीवर फेलियर है, उनको लिया गया था। अभी कुछ स्टडीज आ रही है जिसमें हेल्दी पेशेंट को भी लिया गया है, और उसमें पाया ये गया है कि ओपन हार्ट सर्जरी जिसमें स्टील का वॉल डाला जाता है और टावी जिसमें कि पैरों के रास्ते से ये किया जाता है, रिजल्ट आर लगभग सेम। तो कौन सी बेटर है सर्जरी, मतलब टावी कितनी बेटर है ओपन हार्ट से? अभी तक ये पूरे ट्रायल्स में जो हाई रिस्क कैंडिडेट है उसमें टावी ज़्यादा बेटर है, बट लो रिस्क कैटेगरी में सर्जरी इज बेटर, ओपन हार्ट सर्जरी इज बेटर। बट टावी के एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इसमें अर्ली मोबिलाइजेशन, पेशेंट दूसरे दिन चलता फिरता रहता है, ब्लड लॉस कम होता है, कोई मेजर स्किन का इंसिजन नहीं, सीने के ऊपर कोई कट नहीं, और तीसरे या चौथे दिन पेशेंट घर पे जा जा सकता है। सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे फायदे हैं टावी के। क्या बताओगे कि पहले जो वॉल की सर्जरी होती थी और टावी जो है, तो वॉल की सर्जरी जो होती थी उसमें स्टील का वॉल जो है रिप्लेस किया जाता था, तो अलग से कुछ दवाइयाँ दी जाती थी, वो टावी में भी दी जाती है क्या? ओपन हार्ट सर्जरी में स्टील और टिश्यू वॉल दोनों डाला जाता था। स्टील वॉल में आपको ब्लड थिनर कंपलसरीली देना होता है, टावी में ब्लड थिनर की रिक्वायरमेंट नहीं के मुताबिक है। काफ़ी सारे जो प्रॉक्टर्स या सर्जन है वो अभी टावी के वॉल में ब्लड थिनर देने की सलाह नहीं देते हैं, सिंपल अपने इकोस्प्रिन गोली से काम होता है। ये टावी जो सर्जरी है कौन से एज की उम्र में, मतलब हम देखते हैं कि वॉल रिप्लेसमेंट में जो है एकदम छोटे बच्चे में भी किया जाता है अगर प्रॉब्लम हो, तो क्या टावी उनमें भी की जाती है? नहीं, जो यंग क्राउड है, यंग पीपल है, उसमें टावी का अभी तक रोल नहीं है। ट्रायल्स हो रहे हैं लेकिन अभी तक ज़्यादा सक्सेस रेट ओपन हार्ट सर्जरी का है। बट ये ओल्ड एज विथ मच कोमॉर्बिड कंडीशन, आइदर उनका किडनी, लीवर या लंग्स अगर फेल है, या सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनमें टावी का रिजल्ट इज़ बेटर देन सर्जिकल। बिल्कुल, एंजियोप्लास्टी हो करना अगर मरीज की, और उन्हें भी मतलब टावी भी हो, तो ये एक साथ किए जा सकते हैं? यस, ये टावी का एडवांटेज है, बिकॉज हम पैरों के रास्ते से जाते हैं तो एंजियोप्लास्टी भी सक्सेसफुली हम पैरों के रास्ते से कर सकते हैं, और उसी सेटिंग में टावी भी किया जाता है। वही पंचर से, वही स्मॉल होल से आप एंजियोप्लास्टी प्लस टावी एक ही सेटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या मतलब एक संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, अगर वो टावी करते हैं तो टावी के बाद किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए, किस तरह का मतलब उनकी मूवमेंट रहनी चाहिए, उनका जो मतलब डेली का वर्क रहता है, हार्ड वर्क आजकल लोग करते हैं तो वो मतलब कर सकते हैं, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया इस टाइप के, या जिम हो गया? पहले 3 से 5 दिन तक हम लोग रेस्ट की सलाह देते हैं,
उसके बाद जो किसी का हार्ट पंपिंग कैपेसिटी अगर कमजोर रहा, वो धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू होता है। तो हम सीरियल इकोज देखते हुए अगर हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल आ जाता है और वॉल का फंक्शन नियर नॉर्मल आ गया है, तो वो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि गार्डन में घूमना, गार्डनिंग करना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, पार्क में घूमना, एक माइल्ड जॉगिंग की एक्सरसाइज, ये सब कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, जो आपने तावी के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। और भी जानकारी हम लेते रहेंगे किंग्स वे हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ है किंग्स वे अस्पताल के डॉक्टर अमय बीड़कर, जिनसे हम जानेंगे टावी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर टावी के बारे में आप क्या बताओगे, टावी राइट क्या है? यस, तावी ये जो प्रोसीजर होती है, ये यूजुअली प्रोसीजर जो ओल्ड एजेड पेशेंट्स हैं, 70, 75, 80 ईयर ओल्ड, और जिन पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटी है, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स किडनी डिसीज, लीवर डिसीज, लंग डिसीज, इसके ये इन ऑर्गन्स के विषय में अगर उनको कोई और बीमारी है जिसके कारण ओपन हार्ट सर्जरी इन पेशेंट्स के लिए हाई रिस्क ऐसा कंसिडर किया जाता है, तो ये पेशेंट्स के लिए अपन टावी का ऑप्शन देते हैं। बिकॉज टावी ऑप्शन में ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, और ये पेशेंट्स में ऑपरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। बिल्कुल, क्या बताओगे सर कि जो टावी होती है उसके बाद किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए, किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या बताओगे? या टावी होने के बाद नॉर्मली जो हम लोग डाइट एडवाइस करते हैं, ये डाइट में लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट, और नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स यूजुअली इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, बिकॉज इन पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ जनरली लीवर, किडनी या फिर लंग्स का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली इंडिविजुअलाइज करके इनका डाइट जो बनता है ये टीम वर्क होता है, और ये टीम वर्क में डाइट ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली प्रिकॉशन के तौर पर और डाइट के तौर पर एक पेशेंट्स को इंडिविजुअलाइज करते हैं, बिकॉज ऐसे जो पेशेंट्स हैं इन पेशेंट्स को बाकी ऑर्गन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट ऐसा तो ये पेशेंट्स को रहता ही है। इसके अलावा जो पेशेंट्स को लीवर प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, ऐसे इस तरीके से भी डाइट्स इन लोगों को इंडिविजुअलाइज करके दी जाती है। प्रिकॉशन के खैर ऐसे पेशेंट्स को हम लोग यूजुअली बहुत हीवी वर्क करने के लिए मना करते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और रूटीन उनका जो वर्क है, ये डेफिनेटली ये पेशेंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे कर सकते हैं। बिल्कुल, किंग्स वे अस्पताल द्वारा जो है कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब टावी की जो सर्जरी है टावी के लिए कौन सी मतलब अलग से सुविधाएं दी जाती है, क्या बताओगे, क्या फैसिलिटीज होती यस टावी जो ऑपरेशन होता है ये एक नया ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन इट्स बेसिकली नॉट डन बाय वन डॉक्टर, इट इज़ बेसिकली अ टीम वर्क, और ये टीम वर्क में मिनिमम 10 to 12 लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स में अपने को जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं उनका भी बैकअप लेना जरूरी होता है, तो जो हॉस्पिटल्स विच आर मल्टी बेडेड, विच आर हैविंग आईसीयू फैसिलिटीज़ एंड नॉट जस्ट आईसीयू फैसिलिटीज़, क्लास 1 आईसीयू फैसिलिटीज़ इस पेशेंट्स को लगते हैं। जो कैथ मशीन इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो शुड बी वेरी एक्सलेंट एंड वेरी गुड। इस पेशेंट्स को नॉर्मली सिटी स्कैन, 2D इको ऐसा रिपीटेड ओकेजन्स पे लगता है, तो अंडर वन रूफ जहाँ पे ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स में ही ये टावी ऑपरेशन करना एक सेफ और फिजिबल माना जाता है। बिल्कुल, टावी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि टावी जो है क्यों करनी चाहिए और कितनी ये सेफ है, एक संदेश आपकी तरफ से, एक मैसेज क्या देना चाहोगे? यस, टावी इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर एज कम्पेयर टू द ओपन हार्ट सर्जरी, रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। सिर्फ ये जो प्रोसीजर होती है इसका थोड़ा कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द ओपन हार्ट सर्जरी, बट अगेन द सेफ्टी लेवल ऑफ द टावी प्रोसीजर इज़ वेरी एक्सेलेंट एंड वेरी गुड एज कम्पेयर टू द ओपन हार्ट सर्जरी। ये पेशेंट जल्दी मोबालाइज होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होता है और जल्दी अपने रूटीन वर्क के लिए चालू कर सकते हैं। टावी ऑपरेशन होने के बाद बहुत कुछ खास प्रिकॉशंस, बहुत कुछ खास डाइट में फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ऑलरेडी उनको डाइट्स बताया रहता है वही उनको कंटिन्यू करना होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सोसाइटी में ये होती है कि क्या ये यंग पेशेंट्स में की जाती है, तो यंग पेशेंट्स में टावी अभी के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज यंग पेशेंट्स में अभी भी इसका ट्रायल कंप्लीट होने का है, और ये जो टावी वॉल होती है ये टिश्यू वॉल होती है, टिश्यू वॉल नेचुरली 10 to 12 ईयर्स के बाद डिजेनरेट होती है, और ऐसे पेशेंट्स को जो यंग पेशेंट हैं इनके लिए स्टील वॉल और मेटेलिक वॉल ये ज़्यादा प्रीफर की जाती है।
किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है टावी के बारे में। टावी ये नए रूप से जो है की जाती है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी जो है उसके वजह जो है जो पेशेंट रहते हैं जो वीक रहते हैं जिन्हें अदर मतलब डिसीज रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर है ये। और साथ ही किंग्सवे अस्पताल में ये सर्जरी प्लस एंजियोप्लास्टी भी की गई है और सक्सेसफुली ये की गई है। तो आपको भी अगर एंजियोप्लास्टी प्लस तावी करना हो या तावी करना हो सिर्फ तो किंग्सवे अस्पताल में इसकी जो सुविधाएं है यहाँ पर दी जाती है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही और जानकारी के साथ हम किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए वक्त चला यही रुकने का, देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।